मेरा इक्को ही बेटा सी जी, ओदे दो छोटे छोटे बच्चे है। कोई दिन ऐसा साध संगति नहीं जो असी सारा टब्बर रो के न सुनी हुई। ओदे बच्चे आवाजा मारते हैं, असी उन्हें कितों लिया के दी। तो साध संगत जी आप जी के चरणा बेनती करना है कि आप साढ़े नाल परिवार के नाल खड़ के इंसाफ देवो, इंसाफ दवाने साड़ी मदद करो। वो पिता ही समझ सकता है जिस पिता का जवान बच्चा जो कंध्या उत्ते शमशान वाल जाता है, वो पिता ही समझ सकता है। मैं संगत को बेनती करा असी रूप सिंह जी की बांह बनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संगत जी, अज असी गल करन चले हाँ अमनदीप सिंह जो कि दिल्ली पुलिस विच तैनात सी। तैनात सी इस करके कहना पै रहा है क्योंकि पिछले साल 2 जुलाई 2022 नूं वो इस दुनिया नूं अलविदा करके गुरु चरणा विच जा विराजा। लेकिन पिछले एक साल तो लगातार परिवार वल्लों लड़ाई लड़ी जा रही है इंसाफ लई। हाले तक किसी ने बाँह नहीं फड़ी और हाले तक कोई इंसाफ की उम्मीद नहीं जागी। परिवार परेशान हो के सोशल मीडिया संगत की कचहरी विच हाजिर होया। मैं संगत नूं बेनती करांगा अज असी उन्होंने परिवार के अमनदीप सिंह जी के पिता जी के नाल तुहाडी मुलाकात कराने जा रहे हैं जो कि पिछले एक साल तो अपने बेटे के कतल के इंसाफ लई लड़ाई लड़ते पे ने, लेकिन इंसाफ की कोई किरण नहीं जाग रही। जिन्हों वेखते हुए वह संगत की कचहरी में आए हैं, आओ तुहाडी मुलाकात कराइए सरदार रूप सिंह जी। सो संगत जी, ऐ ने अमनदीप सिंह जी के पिता जी सरदार रूप सिंह जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। संगत की कचहरी में तुसी अज हाज़र हो। मैं चाहवागा कि संगत नूं तुसी अपनी सारा दुखांत दसो जो तुहाडे नाल पिछले एक साल तो बीत रहा है, और जवान बच्चा जिदा चला जाए बाप दे रहिंदे होए तो उहदे वास्ते कितना वड्डा पहाड़ कंध्या टुटदा, वह तुसी अज संगत दे नाल शेयर करो। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। गुरु का संगत जी, हो मेरा बेटा 2 जुलाई 2022 नू नहीं, 29 तरीक शाम नू घरों हसदा खेडदा गया, कोई ऐसी गल नहीं सी। 29 तरीक रात नू 11 बजे तो बाद उहदा फोन रोंग नंबर शो करन लग गया। असी फोन बड़े किते, कोई उहदा फोन नहीं मिलिया। असी सोचा पुलिस दी ड्यूटी है, कई बार किसी ऐसे केस गए होंगे कि जिते डिस्टर्ब करना ठीक नहीं, जां फोन बंद कर लेंदे आ, इस करके असी ज़्यादा वह कोई तवज्जो नहीं दी। पर फिर भी फोन असी करते रहे, 30 नू फोन करते रहे, 1 नू फोन करते रहे, और असी परेशान हो गए। जो ये घटना घटी तो साढ़े चेते चेते च और दिमाग च ही नहीं सी कि यह भी भाणा साढ़े ना बरत सकता। 2 तरीक नू सानू सवेरे 10 बजे असी उहदा एक दोस्त ही हिमांशु, असी उन्हूं लगातार 3 दिन तो फोन कर रहे सी। वह सानू ऐसे गल उलझाई रखता सी कि उहदी वाइफ नूं कि भाभी जी आप चिंता क्यों कर रहे हो, बाल बच्चे दार है, वो हरिद्वार गया, घूमने कहीं गया। अब हमने पूछा भी कपड़ा कोई नहीं लेके गया, कह रहे जी कपड़े दोस्त एक दूसरे के डाल लेते हैं, फोन का चार्जर भी घर पर है, वो चार्जर भी ले लेते हैं। हमें उस बच्चे ने 2-3 तक गुमराह किए रखा। जब हमने 2-3 को सुबह से ज़्यादा उसको प्रेशर करया, तब हमें थाने से फोन आता है, जिसका फोन आया, जिसने अमित कुमार, उसने फोन करा मेरी वाइफ को कि आंटी जी आप थाने में आ जाइए। उसने पूछा भी क्या बात क्या है, सारी बातें फोन पे होने वाली नहीं होती, आप आ जाओ। और मैं और मेरा जवाई असी 11 बजे घरों चल पे, जाम करके 11:30 बजे थे उसे पहुंचे। अगे साडा एक रिश्तेदार खड़ा सी, मैंने किसी पुलिस वाले ने मैनू मिलिया नहीं, किसी ने मैनू यह इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि मुंडे ने सुसाइड किया। मेरा जोड़ा रिश्तेदार से उन्हें ही मैनू दसिया कि मैंने सूट कर लिया। सूट कर लिया, मैं बड़ा हैरानगी इस गल, मैंने बड़ी हैरानगी सूट क्यों कर लिया। मेरे एकदम पता ही लग गया कि मैं अगे करना की है।
मैं बड़ी हिम्मत करके पूछे कितने है, वो कहते पोस्टमार्टम वास्ते लै गया, उन्होंने लैके गए। तो पोस्टमार्टम वास्ते फिर दूजे दिन का पोस्टमार्टम होया, उसकी शक्ल बदत्तर हो पई सी, उसके मूँह चो कीड़े निकल रहे थे और उसकी चमड़ी में जिथे हथला वो भुरदी सी। और सतसंगत जी जो बंदा मरदा है ना तो वह मेरे ख्याल चो आकड़ पर वो पानी च भिजा गिला इंज लगे जिम्मे किसी गटर चो कट के लिया। उस तो बाद थाने अगे असं प्रदर्शन भी किया, DCP वगैरह उत्थे आए, असी सानू वार वार SHO ने धमकी देने की कोशिश करती भी तुहानू जिहड़े सरकार तो बेनीफिट मिले वह नहीं मिलने, तो तुसी कुड़ी की नौकरी लग जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मैं कहूँ तुहाडी गल ठीक है, पहला पुलिस नौकरी सानू की देता जिहड़ा होर दे देगी, तो तुसी FIR दर्ज करो। वह कहते FIR पहले वो दर्ज होगी। मैं क्या क्यों वो क्यों होगी? कहते जी वो जो 30 तरीक न सवेरे सानू वीडियो दिखाई कि मालखाने चो वो आप पिस्टल लेंद और गोलियां लेंद 3-4 और यह लैके आंदा दिखाया, ये किवें सिद्ध करेगा कि सुसाइड है? कोई सुसाइड नोट नहीं मिले, किसी ने उन्होंने सुसाइड करता देखा नहीं। सर पुलिस ने अपने आप को बचाने वास्ते एक मन घड़त कहाड़ी घड़ी घड़ी है, जबकि मेरे बच्चे का कतल होया। ये कातलों तो पुलिस का प्रशांत विहार पुलिस विशेष करके ये नहीं उतों पैसे खाए और इस केस में सुसाइड कन्वर्ट करने की कोशिश की। कोई अनपढ़ है नहीं सी, अजकल फोन है, बंदा व्हाट्सएप पर मैसेज करेगा, फेसबुक पर पाएगा, वो इंटरनेट का खिलाड़ी मुंडा से, वो सब चीज़ों जो अपने आप को दसदा तो सही भी मैं यह प्रॉब्लम है तो मैं सुसाइड कर रहा। अजे पोस्टमार्टम होया नहीं सी, सवेरे ही DCP अनाउंस कर रहे हैं चैनल थे कि अमनदीप ने सुसाइड कर लिया, उन्होंने किस तरह पता लगे कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही नहीं आई। फिर दूजी गल, मालखाने चो वो बच्चा छुट्टी पर सी विदाउट यूनिफॉर्म, किसी को असला नहीं दिता जाता, वो असला लैके किमें गया, ड्यूटी ऑफिसर कितने से, वो दसे गया जी पेशाब करन गया सी, वो चाबी नाल के उन्हें लेके गया। अगर वो अपनी ड्यूटी ते सी, ड्यूटी ते हुंदा इलगर्जी करता है तो इहदी जिम्मेवारी किहदी है? थाने अध्यक्ष की जां ड्यूटी ऑफिसर की जिम्मेवारी है? अगर ड्यूटी ऑफिसर अपनी जिम्मेवारी पूरी मुस्तैदी नाल निभाउंदा तो अज मेरा पुत्र मेरे नाल हुंदा। मेरा इक्को ही बेटा सी जी, उहदे 2 छोटे छोटे बच्चे है, कोई दिन ऐसा सतसंगति नहीं है जो असी सारा टब्बर रो के ना सुई हुई, वो बच्चे आवाजा मारते हैं, असं उन्होंने कितों लिया के दी। तो सतसंग जी आप जी के चरणों बेनती करना आया कि आप साढ़े नाल परिवार के नाल खड़ के इंसाफ दवो, इंसाफ दवाने साड़ी मदद करो। तो किदा लगता कि भी बेटे का किसी ने मर्डर किया तो कि शख्स ने जहाँ ने थाने दे विच पैसा चढ़ाया जो तुसी कह रहे हो? वो साढ़े रिश्तेदारी है जी, उन्हां दी मैं तुहानूं गल दस्सदा। इस केस तो पहला उन्हां दी लड़ाई हुई सी बेटे नाल तो उदों उन्हें 2-3 बंदे फड़ के मुंडे ने इहदियां पिछे बाहां फड़ लिया तो पत्थरे दे सिर ते वड्डा सारा मारिया, पत्थर मारिया तो यह पिछे हट गया तो कार दी स्क्रीन ते लग गया। यह रात दी गल है, अद्धी रात दी, इह उहदे घरे गया, उन्हां दे घरे, उन्हूं कहा वीर जी इह देखो इस मुंडे ने मेरे ते पता चलाया, उन्होंने गल नहीं सुनी, वो कहते सवेरे देखा तुम तो नशे कुछ भी कर लेंगे, सवेरे देखा। उस तो बाद मेरी दोनों बेटियां साढ़े रिश्तेदार के घर गई दूजे या तीजे दिन कि देखो इदा भाभी इदा कोई चंगा थोड़ी लगता है, भरा भरा हो कि लड़ते फिरते आए तो इन समझाओ, अगर गगन दे अमन दे लग जाती तो यह तो उसे सटा लग जानी। बिल्कुल। तो उन्होंने घर की मैंबर ने दसिया कि हाँ इस मुंडे ने कार च पत्थर कट्ठे किए थे, तो वह सारा टब्बर वो पिछे पै गया। कोई तो वजह होगी ना तुहाडे बेटे पिछे क्यों? जिलस किस गल दी जिलस? जिलस है कि अपनी मेहनत प्रोग्रेस कर रहा है, हेड कॉन्स्टेबल बन गया, बिना पैसे बिना कुछ किए दिल्ली पुलिस भर्ती हो, अपनी मेहनत से भर्ती हो। बस होर गल, ये मुंडा
जिदे तो सानू डाउट ही नहीं, पूरे यकीन ही है इन्होंने इस फैमिली ने मिल के। ये विशेष करके मुंडा शराबी कबाबी मुंडा इहनू सद्दा सी दारू पीण वास्ते, इह उहदे नाल दारू पींदा नहीं सी क्योंकि दारू पीण तों बाद इह बहुत आउट हो जांदा सी ते कदे सड़क ते लिट जाणा, कदे किते लिट जाणा, आए दिन इहदा पुलिस च फड़े जाणा। और मेरे मुंडे नूं इहदे घरों फोन जाणे कोई छड़वा के लिया, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛਡਵਾਵਾਂ। ਉਹ ਇਹਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਫੋਨ ਚੁੱਕਣਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, 29 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਾ ਦੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਲਾਪਤਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬਾਅਦ। ਨਹੀਂ, ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੰਦਾ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂ ਥਾਣਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਦੇਖੋ ਜੀ, 29, 30, 1, 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤ ਗਏ। 3 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਸਤਾਂ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀ 'ਤੇ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਿਉਂ ਬਚਾ ਰਹੀ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਕਾਰ ਉੱਥੋਂ ਟੋਅ ਕਰਕੇ ਲਿਜਾਈ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਗਿਆ ਥਾਣੇ 'ਚ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੂਸਰਾ SHO ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲਗਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਵੀਪਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਵੈਪਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਚਾਬੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ? ਰੇਡੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੇਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਖਾਨੇ ਦਾ ਮੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕਤਲੋਕਾਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਵੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈਏ ਸਿਰਫ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, 30-30 ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਥਾਣੇ ਤੋਂ 15 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਣੇ ਦੀ ਵਿੱਚ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਾਂ 10 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 15 ਮੀਟਰ ਮੰਨ ਲਓ। ਰੋਡ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਤਾਂ ਰੋਡ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਕੋਨੇ 'ਤੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗਾਉਂ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਿੱਛੇ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਡਰੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬੇਲਦਾਰ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਟਾਈਪ ਲੋਕ, ਉਹ ਡਰੇ ਹੋਏ ਇੰਨੇ ਸੀ, ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ। ਚਲੋ ਉਹ ਨਾ ਦੱਸਣ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 100 ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਧੂ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਆਫਿਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ? ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਘਟਨਾ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ 23 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ SHO ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਲਟਾ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਸਦਮੇ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਇਆ। ਸਦਮੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਰਵਜੀਤ ਵਿਰਕ ਜੀ ਨੇ? ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼? ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਰਸਾ ਕੋਲੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਟਾਈਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਮ ਲਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਰਸਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਭੋਗਦੇ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ GK ਜੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ?
मैं एक दो बार फोन किया, कहते चिट्ठी लिखो आप प्राइम मिनिस्टर देने देने। मैं सर पहले डीसीपी तो मिलो आके तो नहीं आए, बस बिजी कदे कदे कई बार फोन अटेंड नहीं हुंदा, इदां दी गल्लां हो जांदियां। इस तों अलावा तुसीं दिल्ली सरकार दे कहे तुहाडा उत्थे विधायक है या चीफ मिनिस्टर है कि साहब नूं असीं कहा सीगा, भोगदे भी आए सी, उदोक ते एमपीएस चड्डा जी भी आए सी जी, ओह बोले भी सी उस दिन। असीं मैं तुहानूं दसदा हां कि 23 दिसंबर नूं मैं कमिश्नर ऑफ दिल्ली नूं जी, तो संजय अरोड़ा शायद होंगे से जो कौन से मैं ध्यान नहीं नाम उन्होंने, उन्होंने असी मेल की, उन्होंने मेल का रिस्पोंस आ गया 30 दिसंबर जी। उदू बाद साढ़े जेडे लोकल डीसीपी का ऑफिस आ साडे ना किसी ना कोई सानू फोन नहीं आया, कोई संपर्क नहीं किया। उस बाद मैं ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस साढ़े रोहणी च बेंदे ने डठाला जी, उन्होंने गया, उन्होंने पी ए साहब ने मेरी गल हुई, उन्होंने कहा तुम पहले डीसीपी साहब मिलो। मैं डीसीपी साहब नूं मिलिया, उन्होंने पीए नूं मैं मिलिया, उन्होंने कहा जी ये तुसीं ना नाम लो बंदियां दा जिन्हां दा हैगा ते तुसीं थाने चल जाओ। थाने साडी कंप्लीट वो फिर भी नहीं लिखी, रिसीविंग नहीं कीती, नहीं रिसीव नहीं कीती, जदके कमिश्नर नूं असीं लिख चुके हां तां भी नहीं लिखी। उदू बाद मैं 23 फरवरी नूं चीफ मिनिस्टर नूं लिखी, उन्हां दे जवाब आया पर पुलिस उन्हां दे हत्थ ना होण करके मेरे ख्याल च उह नहीं, लेकिन जवाब तुहानू मेल दे रही है या कोई बंदे ने संपर्क किया? मेल दे रही है, किसी बंदे ने मेल नाल ते देखो वो जवाब दे ही दिंदे ने कि तुहाडी मेल हां आगे फॉरवर्ड करती है, फॉरवर्ड करती है, ठीक है। उस तों बाद मतलब कोई ठंडे बस्ते दे पाता ना, कोई थाने दा बंदा आया ना कोई कुछ आया। फिर अखीर च असीं दुखी हो के मैं डीसीपी साहब दे नूं जाके जिस ने जॉइंट कमिश्नर नूं मिलिया उस दिन मैं डीसीपी साहब नूं दे पीए नूं मिलिया ते मैं कहा जो चिट्ठी तो लेंदे नहीं, तुसीं उस दिन भी कहा सी साडा लैटर नहीं लै रहे। उस तों बाद उहनूं साडी उत्थे हैगी है एसीपी आरती शर्मा, अच्छा जी, मैं उहनां नूं मिलिया, उहनां ने उहनूं फोन कीता वी इहनां दी जो हर मदद है इहनां दी मदद करो एस एच ओ साहब नूं, असीं तुसीं जाओ जी हुणे जाओ। उह कहिंदे जी तुहानूं उहदा आधार कार्ड चाहिदा, होर चीज़ चाहिए है, ऑफिस जिथे जाना है उत्थे साडा बंदा नाल भेजूंगा मैं। मैं कहा जी वह तो मैं कर लाँगा, तुसी रिपोर्ट लिखो। कहते रिपोर्ट मैं उहदे खिलाफ़ बन जाएगी केस। मैं कहा जी मुर्दे के खिलाफ की केस बनेगा? यह केस तो उहदे खिलाफ़ बनेगा जिन्हें एलर्जी की और अपनी ड्यूटी चंगी तरह नहीं निभाई। तो उस तो बाद जदों डीसीपी साहब के पीए दे कोल जवाब गया फरवरी च, इन्हों का फोन किया ता उन्हें मेरा लैटर रिसीव किया एस एच ओ साहब ने। उस तो बाद भी उस लैटर से कोई एक्शन नहीं होया। उस तो बाद साडे रिश्तेदार ने जिन्होंने किया उन्होंने जवाई ने आके सानू धमकाया, मेरे जवाई को मारन की धमकी दी, जेल चो बंदे आएंगे वो ही मार के चले जाएंगे, इदां दी गल्लां उन्होंने घटी। कंप्लेंट फिर की कंप्लेंट बीजेपी हर की हुई है हर तरीके मेरे सहयोग दो थाने अगे शांतमई धरना दे प्रदर्शन दे ऑफिसर हसन मिलिए। इस काम च मेरा साध संगत के चरणा च बेनती है कि मेरा जरूर सहयोग देने की कृपालता करो। संगत जी तुहानू ध्यान होएगा पिछले कोई तकरीबन 15 दिन पहला असी एक रमेश नगर का मुद्दा चुकया सी जिहड़ा कि एक परिवार बड़ा दुखी सी ते उहदी FIR दर्ज नहीं हो रही सी। उस मामले विच भी मनजीत सिंह जी के भी मेरे नाल उस परिवार के घर गए, हालांकि वह फोटोआं असी वायरल नहीं कीतियां क्योंकि असी चाहते सी कि सोशल मीडिया से हाईलाइट ना करके असी इस मुद्दे के उत्ते कार्रवाई की और कार्रवाई हुई भी। अज रूप सिंह जी तुहाडी कचहरी दे विच फिर आए ने, पिछले एक साल तो परेशान, हर किसी दे कोल जाके देख लिया, हर अफसर नूं मिल के देख लिया, लेकिन हले तक बच्चे नूं इंसाफ नहीं मिल पाया। वो पिता ही समझ सकता है जिस पिता का जवान बच्चा जो उहदे कंधिया दे उत्ते शमशान वल जाता है, वो पिता ही समझ सकता दर्द। मैं संगत नूं बेनती करांगा असी रूप सिंह जी की बांह बनीए, साढ़े कोल इक्को प्लेटफार्म रह गया
वह हैगा सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया की आवाज़ तुसी हो, तुसी शेयर कर दे हो, ताही वो आवाज़ बुलंद होंदी है ते सामने वाले बंदे नूं इंसाफ मिलन दी एक किरण जागदी है। मैं संगत नूं बेनती करांगा वध तो वध वीडियो शेयर करके असी अपने वड्डे वीर रूप सिंह जी का साथ दईए तां कि इहनां जवान बच्चे की हैरानी की गल है कि दिल्ली पुलिस विच मौजूद हो के प्रशांत विहार थाने दे विच ही ऑन ड्यूटी वो बंदा जदों अकाल चलाना कर गया, लेकिन उन्होंने अपने दिल्ली पुलिस के मुलाजम ने ही अपना इंसाफ लैन वास्ते उन्होंने परिवार को दर दर धक्के खाने पै रहे हैं, लेकिन इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं अपनी इस वीडियो राही दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी अपील करना चाहूँगा कि कमिश्नर तक तो रूप सिंह जी पहुँच नहीं पाए, नीचे तबके दे लोग उन्होंने उत्थे तक नहीं पहुँचन दे रहे, तो उन्होंने इंसाफ की कोई किरण नज़र नहीं आ रही। वीडियो इसे करके पाई जा रही ताकि इंसाफ मिल सके। संगत को बेनती वीडियो वध तो वध शेयर करिए, रूप सिंह जी का साथ दईए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।